मुरादाबाद शहर में आज ईद उल फित्र के मौके पर ऐतिहासिक ईदगाह पर 50,000 से अधिक नमाजियों ने ईद की नमाज अदा की। नमाज के बाद सभी ने गले मिलकर एक दूसरे को ईद की बधाइयां दी। शहर के इमाम सैयद मसूम अली आजाद ने ईद की नमाज अदा करवाई। सभी ने मुल्क में आपसी प्रेम और भाईचारे की दुआ की। वहीं इस दौरान पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए थे। पूरे शहर को 10 जोन में बांटा गया था, जबकि शहर में रामपुर रोड पर दोपहर 12 बजे तक वाहनों की आवाजाही पूरी तरह बंद कर दी गई है। साथ ही अन्य मस्जिदों में सकुशल ईद की नमाज अदा करवाई गई है। खुद डीएम राकेश कुमार सिंह और डीआईजी रविंद्र गौड़ ने भी ईदगाह पहुंचकर सभी से गले मिलकर ईद की बधाइयां दी। टीवी इंडिया न्यूज के लिए सलमान की रिपोर्ट, मुरादाबाद। इस्लाम में ईद का त्यौहार खुशी का त्यौहार माना गया है। रमजान के 30 रोजे के बाद ईद उल फितर का त्यौहार मनाया जाता है। ईद के दिन मुसलमान अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं, बल्कि वे अपने और अपने करीबी लोगों के लिए अल्लाह से दुआ भी करते हैं। साथ ही ईद सामाजिक भाईचारा भी बढ़ाती है। ईद के दिन मुसलमानों को दूसरे मजहब के लोग खासतौर पर ईद की शुभकामनाएं देते हैं। ईद की नमाज ठीक 8:30 बजे ईदगाह में अदा की गई। ईद की नमाज ईदगाह में मौलाना शेर अली साहब ने अदा कराई। शहर की जामा मस्जिद में हाफिज मुगीस साहब ईद उल फितर की विशेष नमाज अदा कराई। नमाज के बाद नगर में ईदगाह मस्जिद से नमाज पढ़ने के बाद वापस आ रहे नमाजियों को नगर के हिंदू भाइयों ने ईदगाह चौराहे पर शीतल जल पिलाकर फूलों की वर्षा कर गले मिलकर ईद की शुभकामनाएं दी। नगर में जगह जगह लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की शुभकामनाएं दी। इस खुशी के माहौल में पुलिस प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था भी देखने को रही। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए शाहिन निशा सिद्दीकी की रिपोर्ट, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। गोवा में हुई नौसैनिक कौशलेंद्र की हत्या के बाद उसका पार्थिव शरीर नौसेना के अधिकारी पैतृगण नवादा लेकर पहुंचे। गांव में शव पहुंचते ही कोहराम मच गया। पूरे सैनिक एवं राजकीय सम्मान के साथ नौसैनिक का अंतिम संस्कार किया गया। विधायक जसराना रामगोपाल और पप्पू लोधी ने गांव में जाकर सैनिक को श्रद्धांजलि देते हुए परिवार को ढांढस बंधाया। भाई रविंद्र प्रताप ने बताया कि उसके भाई की हत्या उसकी पत्नी संध्या ने अपने मायके वालों के साथ मिलकर की है, और वहीं पर बताया कि संध्या की मां ने अपने पति की हत्या की, यही सीख अपनी बेटी को दी। कौशलेंद्र की पुत्री अभी भी नेवी के अधिकारियों की अच्छा में उसकी गवाही को अहम माना जा रहा है। वहीं पर कौशलेंद्र के पिता सुरेंद्र सिंह ने सरकार से यह मांग की है कि उन्हें न्याय दिलवाया जाए और उनकी नातिन को उनके सुपुर्द किया जाए। मेरे भाई, छोटे भाई को उसके साले और उसकी वाइफ ने मिलकर सोते समय उसके किसी चीज से मार, सिर में मार के 13-14 डीप इंजरी करी और सिर और सोते समय एक्सपायर हो गई। क्या कांड रहा है बेसिकली? तो इनका आपसी कभी कभी घरेलू झगड़ा हो जाता था, लेकिन उस दिन इनके माता पिता ने, क्योंकि इसकी माँ ने भी अपने पति को इस तरह से एक बार मार दिया था, तो उसने अपने बेटी को भी बढ़ावा दिया और उस बेटी ने उसी बढ़ावे में आके अपनी माँ की बात को मान के उसकी पूरी, क्योंकि वो रिटायर होने वाला था तो उसका पूरा फंड, उसका पैसा, वो सब हड़पने के लिए इन सब लोगों ने मिलकर उसे मार दिया। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए गजेंद्र सिंह की रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश।